Again, welcome to your class 10th. Now we are doing exercise 4.3. Now I am reading the question. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. ठीक है, हमें इन क्वेश्चन नंबर वन में बोला है कि यहाँ पर कुछ आपके पास क्वेश्चन है इसमें 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कर कर चार इक्वेशंस दे रखी हैं आप लोगों के पास और बताने हैं कि इनके रूट्स हैं कि नहीं है, मतलब फाइंड द रूट्स, इनके रूट्स निकालने हैं और इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनके एग्जिस्ट करते हैं तब, अगर हैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालने हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड निकालते हैं। तो आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 2 से डिवाइड करते हैं, +3/2 इज इक्वल टू जीरो, 2 से 2 क्रॉस, x² - 7x/2, प्लस का नंबर उधर जाकर माइनस का कर दीजिए, -3/2। अपने पास से 2 हमें लेकर आना है, पहले मैं x लिख देता हूँ, x² - 2 मैंने अपने पास से लगाया, (x)(7). अब मैं 2 अपने पास से लगा नहीं सकता था तो मैंने नीचे भी दिया 2। ठीक है, 2 2 ज़ा जब भी, तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और वही मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, x(7/2, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के नियम के खिलाफ जा नहीं सकता। मैंने आपको उस वीडियो में, मेरे 5 मिनट की वीडियो पढ़ी, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से आप अपने पास से लगाएंगे। ठीक है, (-3/2). अब आपने ये तो लगा दिया तो ये क्या हो गया, (x²-2)(x)(7/4). ये जो आपका एक टर्म है, ये (a²-2ab), क्या अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ (a²-2ab + b²), तो यहाँ पे बी स्क्वायर की कमी पड़ रही, और b इन तीनों में से, इन सारे नंबर्स में से कौन लग रहा है, (a²-2ab), ये b है, तो मैं इसे दोनों तरफ प्लस करूँगा, वो भी स्क्वायर बनाकर। ठीक है, सो -3/2, मैंने इधर भी इसे प्लस किया, (4/2), क्योंकि मैंने फिर बताया मैं मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अगर प्लस इधर भी कर रहा हूं तो मैंने प्लस इधर भी करा, जिस तरीके से 10 = 10 होते हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 में 2 प्लस कर देता हूँ, 10+2, तो इधर भी क्या करूँगा, 10+2, अगर 2 का स्क्वायर प्लस करता तो दोनों तरफ स्क्वायर प्लस करता, तो मेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि मैं दोनों ही साइड इसमें क्या करूँगा, एडिंग करूँगा। अब ये जो एक फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बना है (x-7/4)² ठीक है, इक्वल टू, देखो ए एक्स पहला टर्म ऐसे ले लिया और लास्ट वाला टर्म लेना, ये रटने वाला तरीका, (-3/2)+(7²) = 49 and (4²) = 16। नाउ वी हैव टू टेक एन एलसीएम, एलसीएम इज 16, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा -24 + 49, सो (x-7/4) = कितना बचेगा आंसर, 25 upon 16, और स्क्वायर हटा के क्या लग देता है, अंडर रूट, अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस का लगेगा। ठीक है, इसे रफ करते हैं भाई, (x-7/4)(+-5)(25) 5 का स्क्वायर होता है 16, 4 का, तो माइनस का नंबर इधर आकर प्लस हो गया, 7/4)+-5/4, एक्स की जो वैल्यू बनी, एलसीएम बन गया 4, तो 7+-5, ये किसकी वैल्यू बनी, एक्स की वैल्यू बनी। अब आप इसे एक बार पॉजिटिव लिखोगे, इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लिखते हैं तो ये क्या होगा, 7+5/4, 7 और 5 12, 12/4, 4 3 ज़ा 12, तो एक्स की एक वैल्यू 3 आई, और दूसरा एंड ओनली इफ, ठीक है, अगर कैंसिलिंग इन वैल्यू नेगेटिव, माइनस का साइन लगाया, वी नेगेटिव, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ले लेते हैं 7-5/4, 7-5 = 2, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो आंसर इज 1/2, दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले आपने
टू से डिवाइड करा, टू से डिवाइड करने के बाद टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपने अपने पास से 7/4 दोनों तरफ ऐड करा, ऐड करने के बाद एलसीएम वगैरह करा और फिर सिंपल आंसर। आपको स्टेप ये ध्यान रखना, अपने पास से 2 लगाना है फॉर्मूले का और बी स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर, थोड़ा तेज़ी में करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, जो पहला टर्म होता है हमेशा उससे ही डिवाइड देना है आपको। 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 खत्म, 2 टू द 4 क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस का नंबर होता जाकर प्लस का 2 हो जाना है। अपने वास्ते क्या लगाओ, 2 ऊपर नीचे 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2, मैंने 2 अपने पास से लगाया, 2 अपने पास से लगा दिया, इक्वल टू 2। ये क्योंकि ऑलरेडी x अपॉन 2 था तो ये x अपॉन 2 तो हो गया, x1 से x अपॉन 2, यहाँ पे मैंने 2 अपने पास से लगा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करके वही आंसर हो के ये ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा, इसे काटूंगा अगर मैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस 2 ए, ये बचा b, तो b को दोनों तरफ ऐड कर दो, स्क्वायर बनाकर 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 4 स्क्वायर इज 16। सो x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इज 16। बात समझ में आई भाई कुछ, ठीक है, 16 टू 32 प्लस 1 है ना, 32 प्लस 1, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देते हैं प्लस माइनस का, 32 प्लस 1 33 अपॉन 16, अब जो स्क्वायर बन रहा है उसे ओपन कर दो, माइनस का 1 अपॉन 4 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 16 का हाफ, 16 4 का स्क्वायर है, एलसीएम क्या बन गया, 4 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। आप इसे एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका आंसर आ जाएंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, और अगला आंसर आ जाएगा इसका माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, आई होप आप लोगों के अब समझ में आने लगे भाई, है ना, अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और फिर समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, नहीं मुन्ना नहीं, पहले जो नंबर है आपका आप उससे डिवाइड करो, जो सबसे फर्स्ट में नंबर है उससे डिवाइड कर दो, वैसे तो यहीं से भी हो सकता है लेकिन हमने ट्रिक आप लोगों को स्क्वायर से डिवाइड करने की बताई है। सो 4 अंडर रूट 3 एक्स अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, 4 से 4 ख़त्म, इस वाले 4 से ये भी 4 ख़त्म, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 एक्स प्लस का ये माइनस का 3 अपॉन 4 हो जाना है, ठीक है। अपने पास से 2 लगाते हैं, 2 इंटू पहले एक्स लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अपॉन में क्या लिख दें, 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4, फिर देख लो 2 से 2 खत्म होगा जब, तो एक्स रूट 3 आएगा यानी अंडर रूट 3x। सो अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो गया है, तो मैं b को दोनों तरफ प्लस कर दूंगा इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 के साथ भी प्लस कर देंगे अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अगर ये स्टेप समझ में आ गया ना तो ये पूरा क्वेश्चन इजी है, यानी कि सारे क्वेश्चन इजी हैं, ये दो स्टेप, अपने पास से 2 लगाना और स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना, किस तरीके से करेंगे बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया है किसका, एक्स प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 प्लस स्क्वायर से इसके लिए रूट खत्म हो गया तो 3 बचा, लेकिन नीचे के लिए नहीं खत्म हुआ तो ये 4 हो गया।
सो एक्स इज इक्वल टू या एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया 4 माइनस, जबकि आप यहीं पर इसे कट कर सकते हो, इससे कट हो गया, तो आंसर क्या हो गया 0, और स्क्वायर हटा के रूट किस पर लग जाएगा 0 पे, सो एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 0, लेकिन किसका, प्लस माइनस का, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3/2 इज योर आंसर। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आप इसे मान सकते हो। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने क्या करा, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 2x² / 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर देख लेते हैं, 2x² प्लस एक्स प्लस 4, डन, इससे एक खत्म, और ये 2 टाइम्स x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 2। बच्चे कह रहे होंगे, बोले सर कितने 2 हैं यहाँ पर, कितने 2 हैं? अरे यार, कितने 2 से क्या मतलब है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो और 2 को डिवाइड कर रहे हो, जब इसे क्रॉस करोगे ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो एक्स अपॉन 2 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 2, अपने पास से प्लस कर दो, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, है ना। सो ये तो बन गया फॉर्मूला, एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1² इज 1, 4² इज 16। सो एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इज 16, 16 टू जो माइनस का 32 प्लस का 1, यहाँ पर बना लेते हैं, एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा, 31/16, एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस, माइनस का 31/16 इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड क्यों बोला मैंने, देखो यहाँ पर हाथ मेरा एकदम रुक गया, मुझे कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं चाहिए, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो मेरा जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा, और मुझे हमेशा रूट रियल चाहिए होता है। ठीक है, आप लोगों को ये जानना होगा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं होना है। ठीक है, तो माइनस साइन नहीं है चाहिए हमें, तो आपने यहाँ पे लिख दिया रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो आपको क्वेश्चन पूरा यहाँ पे सिंपल है, मैं आगे चल के आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरीके से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो, और कैसा रहा भाई ये वीडियो, और अगर आप लोगों को ये पता लगाना है डायरेक्टली कि किस तरीके से, तो आप पहले d की वैल्यू निकाल देते हैं, b² - 4ac, जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था b² - 4ac क्या होता है ना। सो आगे के क्वेश्चन में इसे डिस्कस करेंगे, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। बहुत से टीचर्स कहते हैं या बहुत से बच्चे कहेंगे इसमें कि सर आपने जो हमें इस पार्ट में पहले ये क्यों नहीं निकलवाया, आप इसे डायरेक्टली भी तो बता सकते थे। देखो वो भी प्रोसेस सही है और ये भी गलत नहीं है। ठीक है, आपको जो आसान लगे, जिससे बेहतर हो आप उससे करिए, लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लिखा होगा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डायरेक्टली इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।